आज विश्व के सर्वाधिक ऑर्गेनिक कल्टीवेटर्स भारत में हैं और विश्व में आज ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि आज भी हमारे देश में करीब 2 करोड़ टन अनाज सरप्लस पैदा होता है और कहीं आलू फेंकना पड़ता है, कहीं टमाटर फेंकना पड़ता है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों को, तहसीलों को, कस्बों को, पंचायतों को अगर फूड सिस्टम में बदलें, जो जीरो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और लो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हैं वो अगर गांवों में फार्मर्स की ऑनरशिप में अगर हो, जैसा पिछले बजट में भारत सरकार ने भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 5,000 करोड़ का बजट रखा है, यदि हम इसी प्रकार से यह जो 5,000 करोड़ का बजट इसे बढ़ाते हुए और अगर गांवों में फूड सिस्टम की बात सोचें, यानी कि किसान गेहूं की खेती करके तो अधिक लाभ नहीं कमा सकता, लेकिन अगर गेहूँ से आटा, मैदा, सूजी, ब्रेड आदि बनाने के ऐसे जीरो टेक्नोलॉजी या लो टेक्नोलॉजी उद्योग अगर गाँवों में लगते हैं, टमाटो सॉस या पोटैटो चिप्स ऐसे सारे, तो और वो अगर एक्सपोर्ट रेडी होंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में संपूर्ण विश्व के लिए हम खाद्य महाशक्ति का स्वरूप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आज वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट टैलेंट पूल टेक्निकल मैनपावर का भारत के पास है और ऐसे में हम एक बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब पूरे विश्व के लिए बन सकते हैं। और आज भी हम देखते हैं तो विश्व अमेरिका में हर 7वां चिकित्सक भारतीय है और हम देखते हैं कि चाहे आज हम ले लें गूगल ले लें, माइक्रोसॉफ्ट ले लें, आज चाहे हम एडोब ले लें, दुनिया की अधिकांश बड़ी ख्यातनाम कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भारतीय हैं। भारतीयों की प्रतिभा के एक उदाहरण में दे दूं, निकेश अरोड़ा ने कुछ समय पहले सॉफ्ट बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से त्यागपत्र दे दिया था। उनका वार्षिक वेतन 900 करोड़ रुपए था। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज भारतीयों के पास क्षमता है, लेकिन अभी हम काम कर रहे हैं विश्व की दूसरी कंपनियों के लिए, यानी कि हम सन माइक्रोसिस्टम के लिए काम करते हैं, एप्पल के लिए करते हैं, गूगल के लिए करते हैं। जिस दिन हम अपने लिए काम करना प्रारंभ कर देंगे, मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स जिस दिन हम बनाना शुरू कर देंगे, आज हम अपने देश में जो कंप्यूटर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम लेते हैं, विंडोज़ काम लेते हैं, एंड्रॉयड काम लेते हैं, चीन ने अपना चाइनीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया, आज 40% उनके कंप्यूटर्स विंडोज़ या एंड्रॉयड पे काम नहीं करते हैं, पीसी उनके चाइनीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। हमने भी बीच में BOS भारत ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था। मुझे लगता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स और इसके अलावा आज चाहे डेटा एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर है, हम सब SPSS या सिस्टेट काम लेते हैं, तो वर्ल्ड के सॉफ्टवेयर मार्केट में भी मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। वर्ल्ड का जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का मार्केट है उसमें मुश्किल से हमारा हिस्सा 1% से भी कम है $1 trillion के मार्केट में। तो हमें केवल वैल्यू एडिशन दूसरी विदेशी कंपनियों के लिए करने की बजाय, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो और चाहे विभिन्न प्रकार के उत्पादों में हो, मेड बाई भारत प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत है। मैं बहुत छोटा सा एक और उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ। हमारे देश में गोधन है, हम गाय भैंस का दूध निकालते हैं और अगर किसी एक कंपनी को बेचते हैं उसमें भी मजदूर से लेकर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक भारतीय ही हैं, लेकिन वह अगर चॉकलेट और उसका जो है आइसक्रीम या पाउडर का दूध या बटर जो भी बनाती है, छाप अगर नेस्ले की लगेगी तो मुनाफा स्विट्जरलैंड जाएगा, टेक्नोलॉजी स्विट्जरलैंड की डेवलप होगी। स्विट्जरलैंड कितना बड़ा देश है, 41,000 वर्ग किलोमीटर का। हमारा अक्साई चिन जो चीन ने छीन लिया था 1962 में, वही 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का था। इतने छोटे से देश की दुनिया में पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है। हाईएस्ट किस लिए है कि पूरी दुनिया भर में उसकी कंपनियां वहां के लोगों के और वहां के साज सामग्री के माध्यम से वहां के उपभोग के लिए ही जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है उस पर ब्रांड स्विट्जरलैंड की कंपनियों का लगता है या कोरिया की कंपनियों का लगता है या जापान का लगता है या अमेरिका का लगता है। आज जैसे हम देखें वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 21.5% कॉन्ट्रीब्यूशन चाइना का है, 17.5% अमेरिका का है, जापान का 10%, कुल मिला के 50% वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग तो 3 कंट्रीज़ में। जापान का वर्ल्ड पॉपुलेशन में हिस्सा केवल 1.6% है। उनका 10% जो मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा है उसका बहुत बड़ा कारण उनका स्वदेशी का भाव है। जापान में केवल 4% कारें विदेशी बिकती है, सारी मेड बाई जापान बिकती हैं। जिस समय कैमरा रोल आता था तो पूरी दुनिया में कोडाक बिकता था, लेकिन जापान में जापानी कैमरा रोल फ्यूजी ही बिकता था। कोडाक ने बीच में आधी कीमत कर दी तब भी कोई जापानी नागरिक विदेशी माल नहीं खरीदता है। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में कोरोना लॉकडाउन के बाद में
जिस प्रकार से पूरे विश्व में रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, विश्व में वस्तुओं का और लोगों का आवागमन बाधित होगा। ऐसे में हमें अपने देश में मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को आगे बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एस्टेब्लिश करनी चाहिए। देश के युवा वर्ग को यह सोचना चाहिए कि मैं जॉब सीकर नहीं बनूंगा, नौकरी खोजने वाला नहीं बनूंगा, मैं नौकरी दाता बनूंगा, मैं जॉब प्रोवाइडर बनूंगा। और हमारे युवा लोगों को स्टार्टअप्स के माध्यम से, अपने खुद के एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करने के माध्यम से स्व उद्यम, अपना कोई ना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रोजगार खोजने के लिए काम करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें एक बात और सोचनी चाहिए कि किसी भी हालत में हमें अपने देश में अगर हम मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को बढ़ावा देते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में अपना कंट्रीब्यूशन, जो हमारा पॉपुलेशन में 16.7% शेयर है, तो कम से कम 10% तो कर ही लेंगे। और उससे देश में इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उस एम्प्लॉयमेंट से आय और आय से मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से इन्वेस्टमेंट, और उस सब में हम एक स्वतः स्फूर्त विकास की अवस्था में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये कोरोना के प्रकोप के बाद हमें अपने देश में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, आर्थिक स्वावलंबन की तरफ बढ़ना चाहिए, और हमें मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स के लिए छोटे छोटे उद्यमों से लेके एमएसएमई के विकास से लेके बड़े उद्योगों तक सभी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करना चाहिए, और वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन्स हैं उनमें से बाहर निकल के सारे इनपुट्स यहाँ बनाने चाहिए। इसके साथ ही साथ दो बातें और महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहला यह कि आज के समय में फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो विभिन्न नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर जो विभिन्न प्रकार के समाधान आने वाले हैं, उन सबको भी हमें अपने देश में ही विकसित करना होगा। तो एक प्रकार से फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में जो सनराइज सेक्टर्स हैं उन सब की भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होनी चाहिए। जिनके लिए हम आयात पर निर्भर हैं उन वस्तुओं का भी, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम वर्ल्ड अपने 90% सोलर पैनल चीन से मंगाते हैं, तो हमें यह चीन सहित दुनिया के अन्य देशों पर अपनी निर्भरता समाप्त करनी चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है कि हमें आर्थिक संसाधनों का भी सृजन करना होगा, और आर्थिक संसाधनों के सृजन के लिए चार ही प्रकार हैं। हमें एक तो फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाना होगा, उसके लिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट को डिसमेंटल करके, और फिस्कल डेफिसिट अगर हम 8-10% भी ले जाएं तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कोई भी मुद्रा का विस्तार होता है उसके साथ अगर उत्पादन बढ़ जाता है वर्ल्ड में, उस देश में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ जाती है, तो वो उससे मुद्रास्फीति नहीं फैलती है। दूसरा, हमें यह करना चाहिए कि मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी करना चाहिए, मॉनेटरी रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिए। आज अमेरिका ने अपने जीडीपी का लगभग 10% $2.2 trillion का रिलीफ पैकेज दिया है, जापान ने अपने जीडीपी का 20% $1 trillion का रिलीफ पैकेज दिया है। आपको याद होगा तो जब 2008 की आर्थिक मंदी के बाद अमेरिका ने $3 trillion की मॉनेटरी एक्सपांशन किया था क्वांटिटेटिव ईजिंग के थ्रू, जापान ने भी $800 billion का क्वांटिटेटिव ईजिंग किया था, यूरोप ने भी $1.5 trillion का क्वांटिटेटिव ईजिंग किया था, यानी कि देश में मुद्रा जो प्रसार में है उसको बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि हमें किसी भी कीमत पर सबसे पहली चीज़ संपूर्ण देशवासियों को स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम ट्यूबलाइट और बल्ब फिलिप्स का लाएंगे तो मुनाफा हॉलैंड जाएगा, टेक्नोलॉजी उनकी विकसित होगी, और अगर हम बजाज, सूर्या, कोई भी भारतीय ब्रांड 50 हैं उनको खरीदेंगे, जूते का पॉलिश चेरी खरीदेंगे तो मुनाफा अमेरिका में जाएगा, और अगर जूते का पॉलिश रॉबिन, गेही कोई भी खरीदेंगे तो भारत में उसका मुनाफा रहेगा, हमारी टेक्नोलॉजी सुधरेगी। तो जूते का पॉलिश से लेकर सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर टीवी, फ्रिज, ऑटोमोबाइल, कारें, आज अपने देश में जैसा मैंने कहा कि केवल 13% कारें टाटा महिंद्रा की मेड बाय इंडिया बिकती है, 87% कारें हम विदेशी खरीदते हैं, जबकि जापान में वो 4% कारें विदेशी खरीदते हैं, 96% कारें मेड बाय जापान खरीदते हैं। इसीलिए जापान ने इतनी प्रगति की, 1.6% पॉपुलेशन वर्ल्ड में शेयर होने के बाद भी उसका मैन्युफैक्चरिंग में 10% शेयर है। तो मुझे लगता है कि स्वदेशी, अपने देश में होम ग्रोन टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए हमको टेक्नो नेशनलिज्म या एक तरह से तकनीकी राष्ट्रीयता की भी बात सोचनी चाहिए, कि तकनीकी राष्ट्रवाद की बात भी सोचनी चाहिए। तो इकोनॉमिक पेट्रियटिज्म, आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा या स्वदेशी, अपने देश में विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी हम डेवलप करें और अपने देश के संसाधनों से हम देश को आगे ले जाएं, तभी हम आर्थिक स्वावलंबन की तरफ बढ़ के और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत विश्व की क्रमांक एक की
मैन्युफैक्चरिंग पावर बन सकता है, और इसके साथ ही जो भारत का एक सॉफ्ट पावर के रूप में छवि है, जो हमारे योग आयुर्वेद आदि जो हमारा दर्शन वेदांत दर्शन से लेके जो हमारा प्राचीन वैदिक वांग्मय और अन्य में जो खगोल से लेके विभिन्न प्रकार का ज्ञान भरा पड़ा है, उन सब के आधार पर भारत पुनः विश्वगुरु बनने की स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि अगर भारत पुनः विश्वगुरु की स्थिति प्राप्त करता है तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से संपूर्ण वसुधा के लोगों को हम अपना मान के चलेंगे। आज हमने देखा है कोरोना के लिए जिन दवाइयों की 24 दवाइयों और उनके इंटरमीडिएट्स के ऊपर रोक लगी हुई थी, लेकिन जब दुनिया के 30 देशों ने हमसे आग्रह किया तो 55 देशों की हमने कोरोना के समय में दवाइयों की आवश्यकता पूरी की, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि वे सब लोग थैंक यू इंडिया और भारतीय जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला दशक और आने वाली सदी भारतीय सदी और भारतीय दशक होगा, और हम सबको उसमें सहभागी होकर और स्वदेशी स्वावलंबन तकनीकी अपनी घरेलू तकनीकी के विकास इन सब कामों में लगना चाहिए। तो निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व के लिए योगक्षेम का हम संवाहक बनेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूँ। आप सबका आभार।